बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर कूफा के एक चौराहे पर बगदाद का सबसे अजीम मुस्लिम साइंसदान जाबिर बिन हय्यान खड़ा था। चारों तरफ लोगों की खचाखच भीड़ लगी थी। भीड़ में खलीफा हारून रशीद भी अपने सिपाहियों समेत खड़े थे। जाबिर ने मिट्टी से तीन चिड़ियों का पुतला तैयार कर रखा था। उसने पारा, गिंधक और कुछ महलूल को मिलाकर उस पुतले पर अंडेल दिया। लोग बड़े तजस्सुस से देखने लगे कि अब क्या होगा। कुछ देर बाद उन चिड़ियों के पुतलों से एक रंगीन बुखारात उठी और हुआ में उड़ गई। जाबिर का ख्याल था कि उसके उस तजुर्बे से उन चिड़ियों में जान आ जाएगी, लेकिन वो इस दफा भी अपने तजुर्बे में नाकाम हो गया। ये कौन सा इल्म था जिसकी मदद से जाबिर बिन हय्यान और दूसरे माहिरीन मुर्दों में जान डालने और हमेशा जवान होने के राज की तलाश कर रहे थे। इस तलाश में उन माहिरियन ने किन चीजों की दरियाफत कर ली थी और क्या ये पुरासरार इल्म सच में वजूद रखता था या महज एक पागलपन था। हमेशा से ही इंसान फितरत के राजों को जानने की कोशिश में लगा रहा है ताकि उसकी ताकत को अपने बस में करके अपने माथहत कर ले। इसी ख्वाहिश ने इंसान को जादू, रूहानियत, मजहब और साइंस की तरफ मुतवज्जा किया। दुनिया में जैसे जैसे इंसानी तहजीब की इर्तिका होती गई, लोगों ने पुरासरार उलूम को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। ऐसे उलूम जिसके जरिए दूसरी दुनिया से राबता किया जा सकता है, तो कुछ ऐसे जिनके जरिया तैनात के छुपे हुए राजों से पर्दा उठाया जा सकता है। ऐसी ही एक पुरासरार इल्म अल्कीमिया यानी अल्कीमी है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि उस इल्म को सीखकर हम अपने जिस्म को अम्र बना सकते हैं और किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकते हैं। अल्कीमी के इल्म का मकसद मुख्तलिफ धातों को सोने में बदलना, बीमारियों से शिफा हासिल करने के लिए जादुई दवा तैयार करना और लाफानी बनाने वाले महलूल यानी आब हयात तैयार करना था, जिसे का नाम दिया गया। इब्तदाई तहजीबों जैसे बाबिल, हिंदुस्तान, मिस्र वगैरह में धातकारी के माहिरीन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बाकायदा नजरिया पेश नहीं किया था। तारीख में अरस्तू ने सबसे पहले ये ख्याल पेश किया कि हर चीज पानी हुआ मिट्टी और आग के इख्तिलाफ से वजूद में आई है। बाद में सुनहरी तहजीब के कीमिया घरों ने यह फलसफा पेश किया कि इन चार इनासिर को मखसूस तनासिर में मिलाया जाए तो वो एक जादुई पत्थर की सूरत में ढल सकती है। कीमिया गरवा ने उस पत्थर को पारिस पत्थर यानी द फिलोसोफर सोने का नाम दिया। सबसे पहले जादुई पत्थर के बारे में 3000 साल कबल मसीह में लिखा गया था। मिस्र के मशहूर मुसन्निफ ने अपनी किताब सीरो को में उस पत्थर का जिक्र किए जिसने उस पत्थर के जादुई ताकत को बयान किया गया है। जबकि इसराइली रिवायतों में ये बताया गया है कि दुनिया की इब्तदा से ही इंसान फिलासफर स्टोन की कुहूज में था और आदमू व हवा को खुदा की तरफ से उस पत्थर के मुतालिक बताया गया था। बुद्ध और हिंदूमत ने उस पत्थर को चंतामणि के नाम से जाना जाता है। बुद्ध मत के मुताबिक ये पत्थर जिस इंसान के हाथ लग जाए उसे गौतम बुद्ध की तरह आत्मज्ञान मिल जाता है, जबकि हिंदूमत में ऐसा माना जाता है कि देवता शियो के पास ये पत्थर था। इसके अलावा जो सांप सैकड़ों बरस की उम्र पाता है उसके पास भी पारिस पत्थर मौजूद होता है, जिसकी कुहोज बड़े बड़े करते आए हैं। अल्कमी के माहरीन का मानना था कि पारिस पत्थर को मखसूस तरीकों से बनाया जा सकता है। नेज, अगर ये पत्थर किसी आम मेटल को छू ले तो ये सोना बन जाए और किसी बीमार शख्स को छू ले तो वो शिफा याब हो जाए। अहद कदीम में हिंदुस्तान के मशहूर माहिर कीमिया न गर्जन के मुतालिक कहा जाता है, वो एक आम मेटल को सोने में बदल देते थे और वो उस वक्त हिंदुस्तान में अल्कैनी के बानी थे। दरअसल कदीम दौर में लोग सोना बनाने के दौड़ में इसलिए नहीं लगे थे कि वो कीमती था, बल्कि उसकी वजह ये थी, दरअसल सोना एक ऐसा मादा है जिसमें कुदरत के तमाम अनासिर का परफेक्ट बैलेंस मौजूद होता है, जिसके जरिए बड़े बड़े करश्मे करना मुमकिन है। वैसे तो अल्कीमी का मौजू हमेशा से ही राज है। उस इल्म का मकसद पुरानी कुतुबों और पत्थरों में बंद कर दी गई है, लेकिन अल्कीमी सिर्फ आम धात को सोने में बदल देने का नाम नहीं था, बल्कि अल्कीमी उससे कई ज्यादा थी। अल्कीमी का इल्म हजरत ईसा अलिया सलाम के जमाने में खूब जोरों पर था। दरअसल ईसा अलिया सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे।
पैदाइशी अंधों को अल्लाह के हुक्म से बिनाई अता करते थे और कूड़ में मुबतला मरीज को ठीक कर दिया करते। ईसा अलैहिस्सलाम के उन मोजज़ात की खबर रूम, यूनान और यरूशलम में फैलने में ज्यादा देर न लगी। उन तमाम मोजज़ात को जानने के फौरन बाद ही उन इलाकों के माहिरीन उस कुहोज में लग गए कि मसीही नासिरी ने यह करिश्मा आखिर कैसे किया है। दरअसल ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के इनकारी थे और उनका मानना था कि ये कोई जादू या ऐसा कोई इल्म है जिसके जरिए ईसा अलैहिस्सलाम ये सब काम करते हैं। लिहाजा उस इल्म को सीखने के लिए ये लोग सर तोड़ कोशिशें करने लगे। उस इल्म को अल्कीमी का नाम दिया गया था। शुरुआत से ही उनका मकसद एक ऐसी दवा को हासिल करना था जिसे इस्तेमाल करके हर बीमारी से शिफा हासिल किया जा सके। उस दवा को अलगुजराफ लाइफ का नाम दिया गया, जिसका मकसद उम्र को दराज करना था, जिसे मौत को टाला जा सके। और इस तरह दरअसल वो ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े का तोड़ दरियाफत